गुरुजी, नवरात्रि में क्या 9 दिन के व्रत रखने चाहिए? देखो, आप भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि आप भगवान के नवरात्रों में, माता के नवरात्रों में 9 के 9 दिन व्रत रखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी को व्रत रखने की सलाह नहीं देता। वो इसलिए देने का अधिकार भी नहीं रखता क्योंकि मैं खुद ही व्रत नहीं रखता, तो मैं आपको कैसे व्रत रखने की सलाह दूं? मेरा जो अपना मानना है, चाहे नवरात्रि का पावन पर्व हो या कोई अन्य पावन पर्व हो, कोई अन्य शुभ दिन हो, हम भगवान को भोग लगाते हैं। वो तो मैं नित्य प्रति लगाता हूं भगवान को। तो मेरे भगवान मुझसे ये नहीं कहते कि बेटा मुझे तो तू भोग लगा दे, मगर तू व्रत रखे, तू भूखा रहे। मेरे भगवान मुझसे ये कभी भी नहीं कहते। जब मेरे भगवान मुझे कहते हैं कि मेरे को भोग लगाओ, मैं उनको नित्य प्रति सुबह सुबह भोग लगाता हूँ, बिना कुछ खाए पिए भोग लगाता हूँ, दवा जरूर लेता हूँ, अगर क्योंकि दवा लेना एक अलग कार्य है। तो जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो भगवान हमसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे तो तू बेटा भोग लगा जा और तू जाके व्रत रख, तो भगवान कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए मैं ना किसी को व्रत रखने की सलाह देता हूं और ना मैं किसी भी दिन व्रत रखता हूं। तो मैं आपको भी ये सलाह नहीं दे सकता कि आप व्रत रखें या ना रखें, ये आपकी अपनी श्रद्धा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप उनका नित्य प्रति साधना करें, मंत्रों से, मंत्र साधना करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी उनका आशीर्वाद मिल जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो मंत्र साधना करना सीख लीजिए। हम बार बार वीडियो में बताते हैं, आज भी हमने मंत्र साधना कैसे की जाए, जनता दरबार की शुरुआत में हमने ये बात बताई है, आप यहां पर जाके देख सकते हैं। यहां हमारे मंत्र साधना के बहुत सारे वीडियो हैं, यहां बताया गया कि कैसे मंत्र साधना करें। सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उनको देख के मंत्र साधना करना सीख सकते हैं और उसके अनुसार भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बहुत ज्यादा मतलब जाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक जाना चाहिए, नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, लेकिन सारे काम छोड़ के केवल यही ना करें कि मतलब यही करते रहेंगे तो घर घर बार का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात का ध्यान रखें। जय शनिदेव। आप बिना किसी झिझक के शुक्रवार के दिन शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में, जो जनता दरबार लगाया जाता है सुबह 11 बजे से, उस जनता दरबार में आकर मुझसे मिलकर अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऐसे उपाय जान सकते हैं जो करने तो साल में सिर्फ एक बार होते हैं मगर पूरी साल फायदा देते हैं, या करने तो 3 साल में एक बार होते हैं मगर पूरे 3 सालों तक आपको फायदा देते रहते हैं। तो ऐसे उपाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो उपाय हैं जिन्हें आप करिए और भूल जाइए। आपको रोज रोज कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, गाय को चारा देने की जरूरत नहीं है, पक्षियों को दाना खिलाने की रोज कंपलसरी वाली जरूरत नहीं है। खिलाएं बहुत अच्छी बात है, आपको सभी का ख्याल रखना चाहिए, भगवान ने आपको समर्थ बनाया है, मगर आप उसके लिए बाउंड नहीं है कि आपको रोजाना ही खिलाना है, इतने बजे निकल के आपको उनको चारा डालना है। तो ऐसी किसी बाउंडेशन से मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मुक्त करता हूं। तो फिर देर किस बात की है? आप आने वाले शुक्रवार को सुबह 11 बजे हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर हमसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों का उपाय जान सकते हैं। किंतु यहां आने से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति अपनी यहां पर परेशानी के लिए उपाय जानने आएगा, वो भगवान शनि देव के लिए 5 अलग अलग तरह की 250-250 ग्राम यानी टोटल मिला के 1.25 किलो मिठाई अवश्य लेके आएगा, हर व्यक्ति जिसे अपनी परेशानियों के बारे में हमसे चर्चा करनी है। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग शादी योग्य हो गए हैं या जिनके बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, तो हमारे शनिपीठ मंदिर की जो वेबसाइट है marriagebiodata.app
जो स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अवश्य मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पसंद के अनुसार एक खूबसूरत सा बायोडाटा बना सकते हैं और उस बायोडाटा के बल पर एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, अगर आप शादी के लिए परेशान हो रहे तो एक खूबसूरत सा बायोडाटा अवश्य बनाइए। जय शनिदेव। मैं सावरमल, मैं गुरु जी के पास आया था मेरी बेटी की समस्या के लिए। मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखती थी, उसका कहीं से कुछ बन नहीं रहा था, कई प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो सारे गुरुजी ने अंगूठियाँ वगैरह देखे, कुछ पूजा पाठ से, कुछ इन्होंने अपने तरफ से कुछ किया, तो उसका 1.5-2 महीने के अंदर उसका इंटरव्यू था, उसका नंबर आ गया, वो कॉलेज लेक्चरर बन गई। तो गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करी, और भी लोगों की कृपा करते हैं। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि जो भी आए गुरुजी से आशीर्वाद लें।